सर। ओ गाड़ी ठोक रही है भाई बंदे ने। मेरा सिंपल बात ये है, जो माँ को कॉल करके गालियाँ दी ना, वो चीज मेरे को सही नहीं लगी। ब्रो कर्मा जब आता है ना अपने पे, बड़ा कुछ होता है। तुम समझदार हो, बाकी मैं क्या ही बोलूँ। ये सिनेरियो था गाइस, मैंने सिर्फ इतना बताना था आपको। बाकी यार क्या ही बोलूँ, मेरे को अभी भी उस बात का बड़ा गुस्सा है। भाई लोग अभी ऐसा कुछ सीन है, अभी यहाँ पे रुके हम लोग और बाइक्स वगैरह पार्क कर दी है, बाकी खाते पीते यहाँ पे कुछ, देन उसके बाद निकलते हैं। चला चला अच्छा लीजिए जगह। हाँ जी हाँ जी, अरे तो दो पर ही रखो बड़का एनी, अरे पता ही नहीं बजट है, दो तीन पर ताई अंदर है, चार पर रखी तो भाई लोग अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से खाना पीना खा के, अब जाएंगे सीधा हम डार चौक वापस, भाई रिटर्न उसी ट्रैक पे जा रहे हैं। अभी देखते हैं क्या रहता है धमाल अभी का। नहीं निकलेगी भाई, बहुत क्रेजी, इतना अग्रेसिव राइड कर रहे हैं ना बंटा भाई, एडवेंचर लेके भी नहीं मार रहा ये। ओ चाचा ओए भाई, मैं इसको क्या ही बोलूं, ब्लाइंडली चेज कर रहा भाई ये हर एक गाड़ी को भाई, स्किल्स ब्रो। ओ गाड़ी ठोक रही है भाई बंदे ने। हेलो अभी सभी जा रहे हैं अपने अपने घर और अपने भाई को सीओ वगैरह कर देते हैं, देन मैं भी निकलता हूँ भाई सीधे अपनी बुआ घर। बैटरी लो ना हो जाए यार, बस बुआ घर तक पहुंचा दे, कम ही है बैटरी तो इसमें, येलो हो गई है। भाई क्रेजी क्रेजी भाई, कहीं से भी निकल जाओ जगह मिलनी चाहिए। ठीक है उड़का फिर है ना, और ये भी अपने भाई जा रहे हैं। अच्छा लगा भाई आपके साथ राइड करके, पूरी राइड की है भाई भाई ने अपने साथ, और इन्होंने नई बाइक भी लेनी है कुछ एक टाइम में, थोड़ा टाइम आ जाएगी, तो कंग्रेचुलेशन भाई आपको। दैट्स इट गाइस, ये था आज की वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बहुत लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी को नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। बढ़िया होगा कर लो सर, राइड ऑन टू व्हील्स। हाँ हाँ थैंक यू भाई, ओके स्टॉक ही अभी चल बैठ जा, आगे करूं आगे करूं। गाइस आज है थर्ड डे और आज मैं जा रहा हूँ भाई हेयर कट वगैरह करवाने, अभी चलते हैं। और ये रहा गाइस अपना बोल्ट, इसको भी दिखा देता हूँ भाई, काफी टाइम हो गया था इसको भी, ना वीडियो मैंने लिया था, है ना बोल्ट मोटू, ग्रूमिंग ग्रूमिंग कर दी इसकी। ये देखो ऐसे ऐसे बन जाते हैं ना, तो ये ऐसे करके हेयर निकलते हैं इसके,
चलो तो गाइस निकलते हैं अभी फुल पावर और ना अभी हेयर कट वगैरह करवाने जा रहा हूँ। ये भी हाथ में पकड़ा मैंने, इसको फेंक दूंगा। क्या हुआ? मैं तो भी देखा है। खेल रहा है? ओ भाई, ये पक्का। तो ये भी दिखाना पड़ेगा यार अपने को। एटीएम कांगड़ा लेके चल जाऊंगा दोनों बाइक्स को। वैसे इस बाइक में कुछ सीन हो गया था ना, वो आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में पता लग जाएगा। अगर मैंने अभी तक वो वीडियो अपलोड नहीं की होगी तो इस नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि भाई R390 के साथ क्या सीन हो गया था। अभी निकलते हैं यार घर से और ना सीधा मैं आपको ऊपर मिलता हूँ। देख रहे साउंड कितनी खतरनाक है भाई। चलो गाइस निकलते हैं अभी फुल पावर और ना संडे राइड में ना कुछ क्लिप्स मैं नहीं डाल पाया हूँ। एक्चुअली सीन ये वो था कि मेरे से ना कुछ वीडियो फाइल्स में से गलती से डिलीट हो गई थी। अब आई डोंट नो वो फोन में लेते टाइम डिलीट हुई थी या कैसे, तो उसके लिए यार थोड़ा मतलब ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरी से कोई वीडियो वगैरह डिलीट ना हो। यहाँ पे रुकते ना अभी। हाँ अकेले यार, मैं बस आ रहा था, मेरे को कुछ एक पार्ट रह गया शूट करने को, वो कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद चलूंगा घर को। डालोगे व्लॉग? हाँ हाँ डालूंगा, आज ही आएगा ये व्लॉग। ओके ओके भैया, थैंक यू। ओके तो गाइस अभी मतलब मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर वीडियो में, बट ऐसा सीन है यार, बंदा ये कह रहा है कि यार दोनों के बीच में जो भी था प्यार से रहते थे एंड वो सब सही कहा उस बंदे ने, लेकिन यार एक सीन ऐसा होता है ना यार, देखो दो भाइयों के बीच में या फिर दो फ्रेंड्स बीच में आप जैसे भी रख लो, वो लगती है हम सुबह को लड़ेंगे शाम को ठीक हो जाएंगे। बट यार सिनेरियो ये यहाँ पर आता है कि जब आपका कोई फ्रेंड दोस्त आप जिसको अपने भाई से बढ़कर मानते हो, वो बंदा जब आपके पेरेंट्स को फोन करके मतलब गाली गलौज करे आपकी मदर को, ये सिनेरियो तो मेरे को गलत लगता है। रही बात यार जेलेसी की, जो बोल रहे कि जेलेसी का फैक्टर आ जाता है या कुछ भी, तो भाई अगर जेलेसी की बात होती ना तो मैं इतना बता देता हूँ यार, मैंने दिन ये बोला था ब्रो कि ब्रो आप आओ मेरे पास, कॉन्टैक्ट आपने खुद करा मेरे से, ठीक है। मैंने नहीं आपको कॉन्टैक्ट करा था कि आप मेरे, मैंने आपके साथ वीडियो बनानी एंड ऑल, ठीक है। मैं तो जानता भी नहीं था भाई आपको, आप मेरे पास खुद आए, आपने बोला भाई यूट्यूब के बारे में बताओ मेरे को। मैंने उस टाइम पे अगर जेलेसी फैक्टर होता तो ब्रो मैं मेरा यूट्यूब चैनल ही नहीं बनाता, उसको मैनेज ही नहीं करता, मेरे पीसी पे वो लॉगिन पड़ा रहा तब तक के लिए जब तक, उसके बाद तूने मेरे साथ जो करी मैं उसको नहीं बोलूंगा कि क्या सीन करा तूने मेरे साथ क्या नहीं। ना उस टाइम पे तेरे को फर्स्ट टाइम ये कहा था भाई एक बार आप चैनल स्टार्ट करो उस लेवल तक जाओगे ना जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, ये बात याद कर ब्रो, मैंने तेरे को ये चीज बोली थी स्टार्टिंग में बिना सोचे समझे भाई, तेरे लिए क्या कुछ नहीं करा भाई, मैं इसके बाद कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा सिंपल बात ये है, जो माँ को कॉल करके गालियां दी ना वो चीज मेरे को सही नहीं लगी ब्रो, ये चीज तूने गलत की। तो इसी कारण वो जो वीडियो में मैंने कुछ भी बोला था, वो एक होता ना कि गुस्सा, उस बात को लेके मेरे को गुस्सा था, और जैसे वो रियलिटी निकली मेरे मुंह से जो मेरे को गुस्सा था यार, सिंपल मैं इससे आगे बोलना नहीं चाहूंगा। तो मेरे को बाकी का मतलब नहीं यार, भाई आप तरक्की करो ठीक है, मैं यार कुछ ऐसी बातें नहीं निकालना चाहता यहाँ पर, बड़ा कुछ अगर मैं बताने को आऊंगा ना ब्रो वो बातें ऐसी हो जाएंगी कि मेरे को एक घंटे की वीडियो बनानी पड़ जाएगी उस चीज के ऊपर, ठीक है। मैं नहीं करना चाहता ऐसी बातें, मेरे को ये चीज सही नहीं लगी बस, मैं इतना ही बोलूंगा। और वो सब कुछ जो भी निकला उस वीडियो में, आपने रिसेंट वीडियो में देखा होगा कि मैंने कुछ भी बोला, वो मेरे दिल से निकला भाई। तुम बोल रहे ना ब्रो जेलस वाली बात, जेलस वाला फैक्टर होता तो ब्रो मैं कभी तेरे से बात ही नहीं करता। तू बोल रहे कि अब हमने सॉरी भी मांगी, चलो मेरी भी गलती, उसकी भी, मेरी क्या गलती ब्रदर, तू एक बार गलती बता मेरे को ठीक है, फिर मैं बताता हूँ गलती क्या भाई। हम लड़े ठीक है, और लड़ाई भी तुझे यार दूर क्यों जाना, जिस दिन तेरा क्रैश हुआ ठीक है, जिस दिन तेरा क्रैश हुआ उस दिन ब्रो मैं और मेरा भाई पहुंचा तेरे पास रात को, ठीक है, ना कि वो बंदा जिसके पीछे तूने मेरे से लड़ाई की। जिस दिन तेरी गाड़ी का क्रैश हुआ मेरी पूरी फैमिली पहुंची वहां पे, डूड मेरी पूरी फैमिली वहां पर पहुंची, मेरे पेरेंट्स से लेकर मेरी बुआ की फैमिली वो सारी पहुंची भाई तेरे पास वहां पर, मान सकते तू ये बात, कोई बंदा नहीं आया वहां पे तेरे लिए ब्रो, मेरी फैमिली पहुंची फिर भी क्योंकि तूने वो सीन कर रखा था मेरे साथ। बट फिर भी मैं नहीं चाहता यार कि अपना कोई भी बाइकर है कोई भी राइडर है भाई जेलस होता ना तेरे साथ, कभी बात ही नहीं करता ब्रो, मैंने इतने प्यार से करा सब कुछ तेरे लिए, बट तू नहीं समझा यार। मेन फैक्टर ये है कि मेरे को गंदा ये नहीं लगा यार, हमारे भी भाई वगैरह हम भी उनसे लड़ते हैं, बट वो जो मोम को तूने कॉल करके गालियां दी है ना ब्रदर, मोम को कॉल करके गालियां दी है ना, जो मेरी माँ को बोला ना वो मेरे को गलत लगा, उस बंदे से मैं कभी यारी कारी नहीं रख सकता बाकी ब्रो आपको। बट भाई मैं इतना बोलना चाहूंगा कि कभी अपनी फ्रेंड को धोखा देके, वो आपकी फीमेल फ्रेंड है चाहे मेल फ्रेंड है, कभी धोखा देके उससे अपनी लाइफ में कोई चीज आगे मतलब स्टेप मत लेना ब्रो। कर्मा जब आता है ना अपने पे बड़ा कुछ होता है, तुम समझदार हो, बाकी मैं क्या ही बोलूं। इसलिए भाई कभी धोखा मत देना किसी को जैसे कि तुमने करा, ठीक है, और किसी की माँ को गाली मत देना यार। तुम ऐसे बोल रहे हो यार कि बंदा खुद उस बात को आगे लेके चल रहा, तो हम क्या ही कर ब्रो। यार अगर आपकी माँ को कोई गाली दे तो क्या आप उसको वो करोगे? ठीक है, मेरे को लड़ना नहीं सिखाया मेरे घर वालों ने, मेरे को बस ये बोला कर्मा सब देख लेगा डूड, मेरे को सिर्फ इतना बोला घर वालों ने। आप खुद सोचा अगर आपकी कोई मदर को कोई गाली दे रहा है आप उसके साथ रहोगे? कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। पहला बंदा होगा मेरी लाइफ का जिसने मेरी मदर को मेरे पेरेंट्स को गालियां दी होंगी कॉल करके उनको फोन में। ये सिनेरियो था गाइस, मैंने सिर्फ इतना बताना था आपको, बाकी यार क्या ही बोलूं, मेरे को अभी भी उस बात का बड़ा गुस्सा है। सभी अपनी लाइफ में फूलो फलो, बढ़िया कर रहे हो सभी अपनी लाइफ में करो, और बाकी ऑल द बेस्ट सभी को। और बस इतना ही बोलना था यार, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलता। पहुंच गए हम लोग
कैसे हो? Fuck. क्या क्या इधर आ क्या क्या बोल्ट एले मतलब ही डॉग फिर नेक्स्ट लेवल होते हैं। मेरे को तो लगा कि लीड करते करते घुस जाएगा बाइक के अंदर और मैं खत्म।